अब आप इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज्यादा असर रसूख है। भारत ने जब से मालदीव्स को आंखें दिखाई है तब से मालदीव्स में बहुत से क्राइसिस जन्म ले रहे हैं। अभी नौबत ये आ पहुंची है कि मालदीव्स को IMF बेल आउट चाहिए। अब हालात मालदीव के यहाँ तक आ पहुंचे हैं कि मालदीव को जो है वो IMF का जो है वो बेल आउट पैकेज जो है वो लेना पड़ रहा है। Well, the political and administrative mess in the Maldives shows signs of spiraling out of control as well, mounting economic wars and a Chinese debt trap. आपको पता है फिर इंडिया के अंदर एक वहाँ पे एक sort of जो nationalism है इंडिया के अंदर, media, civil society. और इसके लिए Maldivians पुकार लगा रहे हैं, Maldives की आवाम कह रही है कि हमें Prime Minister मोदी ही इस चीज में help दे सकते हैं, सिर्फ Prime Minister मोदी ही है वो जो IMF bailout में हमारी मदद कर सकते हैं। श्रीलंका की अगर बात की जाए तो श्रीलंका को भी जो है वो डिफॉल्ट होने से उन्होंने बचाया, और अब मालदीव भी जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहा है कि इस मुश्किल हालात में। आपको लगता है कि 2024-2018 का बाप है? आप देखिए, बिलाशुबा 9 मई हुआ, बिलाशुबा रियासत पर हमला हुआ। हमारी पैनाडोल कहाँ से आती है, मेडिसिन वगैरह कहाँ से आती है? पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होती है, बाहर से भी आती होंगी। कहाँ से आती है हमारी मेडिसिन? नरेंद्र मोदी बिकॉज एट होम ही इज डूइंग सो मच, इट इज बिलीव्ड बाय द पीपल, ही इज डूइंग सो मच इकोनॉमिकली। मालदीव्स अपने घुटनों पर आ गया है, ये साफ नजर आ रहा है, हर चीज में उनको भारत की मदद चाहिए। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। मालदीव इस समय एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। मालदीव भले ही दिवालिया नहीं हुआ लेकिन उसकी स्थिति काफी नाजुक है। दरअसल मालदीव दिवालिया होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। मालदीव के ऊपर बाहरी कर्ज 4.038 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें एक बड़ा हिस्सा चीन के कर्ज का है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मालदीव की सकल राष्ट्रीय आय 5.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। ऐसे में राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के सामने इस समय बड़ी चुनौती है कि वह किस तरह से देश को इस आर्थिक चुनौती से उभारते हैं। मोइज़ू इस संकट से उभरने के लिए चीन और अरब के मुस्लिम देशों से ऋण राहत की मांग कर रहे हैं। मोइज़ू ने तुर्की और चीन जैसे देशों से वित्तीय सहायता मांगी है लेकिन कोई भी आगे आता दिख नहीं रहा। मोइज़ू लगातार चीन की तारीफ करते रहे हैं लेकिन मालदीव के भारी आर्थिक संकट को देखते हुए उनका ये दोस्त भी कर्ज देने से बचना चाह रहा है, तो तुर्की का रुख भी कुछ ऐसा ही है। भारत ने जब से मालदीव्स को आंखें दिखाई है तब से मालदीव्स में बहुत से क्राइसिस जन्म ले रहे हैं। अभी नौबत ये आ पहुंची है कि मालदीव्स को IMF बेल आउट चाहिए, और इसके लिए मालदीवियंस पुकार लगा रहे हैं, मालदीव्स की आवाम कह रही है कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ही इस चीज में हेल्प दे सकते हैं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी ही है वो जो IMF बेल आउट में हमारी मदद कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि पहले जो कंट्रोवर्सी छिड़ी है भारत और मालदीव्स के दरमियान, मालदीव्स अपने घुटनों पर आ गया है, ये साफ नजर आ रहा है, हर चीज में उनको भारत की मदद चाहिए। मालदीवियंस खुद पुकार लगा रहे हैं भारत को। मीन ये होता है ना कि मतलब रिस्पेक्ट अपना कंट्री खुद बनवाता है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम भी करें देन हो कि अगर हमारा कंट्री आगे जाए, लेकिन हम ये हैं कि हम दूसरे कंट्री से मंगवाते हैं, अपने कंट्री में ऐसा कोई चीज़ नहीं बना रहे कि जो हमारे कंट्री से बाहर जाए या हमारा नाम हो हमारे कंट्री। आप लोग जैसे देख लो बाहर से मेडिसिन भी आती हैं, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन कैनेडा, ईच एंड, कहीं भी लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान, नथिंग। मतलब आप अपने कंट्री को नहीं करते, वैल्यू अपनी खुद डाउन कर रहे हो, मतलब दूसरे कंट्रीज को खुद प्रमोट कर रहे हो कि इसकी चीज़ दो, अपनी ना लो, अपनी मत बनाओ। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ पे एजुकेशन का भी कोई स्कोप नहीं है, हम लोग डिग्री लेकर बैठे, हमें जॉब नहीं मिलती। अब हालात मालदीव के यहाँ तक आ पहुंचे हैं कि मालदीव को जो है वो IMF का जो है वो बेल आउट पैकेज जो है वो लेना पड़ रहा है। बहुत से जो है वो मालदीवियंस का ये कहना है कि इस मुश्किल घड़ी में जो कि मालदीव इस टाइम फेस कर रहा है उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही उन्हें बचा सकते हैं। क्यों ना बचाएं, अगर देखा जाए तो बहुत सी कंट्रीज को जो है उन्होंने बचाया है। श्रीलंका की अगर बात की जाए तो श्रीलंका को भी जो है वो डिफॉल्ट होने से उन्होंने बचाया, और अब मालदीव भी जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहा है कि इस मुश्किल हालात में जहां उन्हें IMF से जो है वो बेल आउट पैकेज लेना पड़ रहा है, वो कह रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में नरेंद्र मोदी जो है वो हमारा साथ दे सकते हैं। मैं चलूंगा और चलकर रोहित जी से इस हवाले से बात करूंगा, स्पेशली आज डिस्कस करूंगा
मालदीव और इंडिया के दरमियान कंट्रोवर्सी तमाम प्रोसेस क्या हुआ, उसके बाद मालदीवियंस का जो है वो नरेंद्र मोदी की मदद लेने का जो उनका फैसला है वो कैसा है, ये क्या चल रहा है? मतलब मालदीव और इंडिया के अगर बात की जाए, कंट्रोवर्सी इस हद तक बढ़ गई है कि मालदीव जो के टूरिस्ट हब माना जाता था, अब उसको आईएमएफ से जो है वो बेल आउट पैकेज मतलब लेना पड़ रहा है, और बहुत से मालदीवियंस का कहना है कि मौजूदा करंट टाइम के अंदर जो है वो नरेंद्र मोदी ही उन्हें बचा सकते हैं। देखिए एक चीज के मालदीव्स एक ऐसा कंट्री है जो कि आइलैंड कंट्री है, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्ट इंपैक्ट देता है। ग्लोबल वार्मिंग जरा सा भी और ऊपर बढ़ा तो मालदीव्स विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द सिनेरियो। अब मालदीव्स एक गरीब कंट्री था, अच्छा इंडिया से टूरिज्म, चाइना से कुछ टूरिज्म, यही और दूसरे वर्ल्ड से टूरिज्म, इसी पे चलता था। मुस्लिम कंट्री है, शराब धड़ल्ले से दिखती है, ठीक है, तो ये इस्लाम के नाम पे जो गुंडागर्दी कर रहे थे ये देखने वाली बात। शराबी नहीं, मतलब सारे सारे काम इलीगल होते हैं। कुछ ऐसी चीजें अभी हाल में हमने देखी हैं कि कुछ इन्फ्लुएंस ऐसे आए थे कि एक दो फॉरेनर शादी कर रहे हैं मालदीव्स में, और वो लोग अपनी लैंग्वेज में कुछ पढ़ रहे हैं और अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल रहे हैं, वो उन दोनों फॉरेनर्स को गाली दे रहे हैं, ये वीडियो सामने आए। चाइना की एक लेडी के साथ रेप हुआ, चाइना तो खैर ऑफ कोर्स कैसा कंट्री है, उसको तो वो तो आप एक रिवॉल्वर एक बंदूक पकड़ाता है। एक 1962 वॉर में क्या हुआ था पता है आपको? वेव आती थी सैनिकों की, चाइना के सैनिक आए, वेव लेके बंदूक लेके आए, इंडियन सैनिकों ने उनको मार दिया, पीछे से निहत्थे सैनिक आए, उन्हीं की बंदूक, मरे हुए सैनिक को उठा के ले जाने की कोई चिंता नहीं उसको, उसी की बंदूक उठाई और आगे चल दिया। वेव्स में देवक कमिंग इन वेव्स, ठीक है, और चाइना में इंसानी ह्यूमन लाइफ की कोई कीमत नहीं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपनी ऐश ले रही है, उसको मजे लेने का पूरा हक भी है क्योंकि वो रूल कर रही है। वो आर्मी को ऐसे सोचती है कि ये मरने के लिए, ठीक है, अब आते हैं, अगर वो अपने लोगों पे एहसान नहीं कर रही, अपने लोगों की परवाह नहीं कर रही, तो इनकी क्या करेगी मालदीव्स वालों की? वो मालदीव्स वालों की भी परवाह नहीं करते। दूसरी चीज, ये पूरा का पूरा जो गेम है, मालदीव्स में जो गवर्नमेंट आई है, एक करप्ट गवर्नमेंट आके बैठ गई है, ठीक है। इंडिया उनके लिए कितना सपोर्ट था, कितना बड़ा सपोर्ट था उनको, हम लोगों ने उनके पास हमारे 85 सैनिक थे, क्या हमने उनकी सुरक्षा के लिए, क्या उनके हमने सिक्योरिटी के लिए भेजे थे? नो, हमने उनको जो सामान दिया था, उनको एयरक्राफ्ट दिए थे, उनको बहुत कुछ दिए थे, ये सारा सामान इसको ऑपरेट करने के लिए दिया था। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि चाइना इससे पहले, चाइना जो है चाइना का मोटस ऑपरेंडी क्या है, वही मोटस ऑपरेंडी जो शेल कंपनी नाइजीरिया में करती है,